अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। नाज़रीन, पहले मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की थी इससे पहले, जो कि जिसमें एम्पलीफायर लगा हुआ था और सब वूफर चलाने के लिए और 500 वाट की सप्लाई लगी हुई थी और 500 वाट का एम्पलीफायर था। तो आज मैं उसकी आपको फुल बाय फुल यानी कि पूरी टेस्टिंग करवाऊंगा कि किस तरह आपने उसकी टेस्टिंग करनी है। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तो नाज़रीन, ये देखें, यही वो टेप थी यानी कि यही वो एम्पलीफायर था जो मैंने आपके पिछली वीडियो में यानी कि ना अपलोड की और इसके बारे में आपको पूरा बताया। तो आज मैं इसकी पूरी टेस्टिंग करवाने वाला हूं आपको। आप हैरान रह जाओगे, वाकई ही हैरान रह जाओगे कि यार इसकी इतनी ताकत, इतनी इसकी क्वालिटी है कि आप बिल्कुल हैरान रह जाओगे। तो नाज़रीन, ये देखें ज़रा, ये है हमारी टेप, USB लगा दी है हमने और ये है इसका पावर और ये है इसके वॉल्यूम वगैरह और ये जो अलहदा वॉल्यूम लगाया है ये सब वूफर के लिए हमने लगाया है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ ऑन, तो ये देखें मैंने ऑन कर दिया, इधर से भी लाइट चल गई और इधर पावर सप्लाई में भी करंट आ गया है हमारा, ठीक है। तो नाज़रीन, ये देखें कि ये जो रेड तार है ये मैंने निकाली है सब वूफर की और ये एक साइड की है और ये एक साइड स्पीकरों की तारें हैं ये वाली और ये दो तारें हैं ये सब वूफर इस एम्पलीफायर की हैं जो 500 वाट का है और 4 ओम का है, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, ये एक मेरे पास 750 वाट का राड है, हीटर है जो कि होता है यानी कि बिजली घर में चलाने के लिए होता है, हीटर के लिए सर्दियों में अक्सर लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने इसको 4 ओम पे रख लिया है यानी कि 4 ओम पे ये है और 4 ओम पे ये है, ठीक है। यानी कि ये दोनों 8 ओम है। अगर आप स्टीरियो चेक करना चाहें तो स्टीरियो भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अब मैंने क्या किया है, 4 ओम का 750 वाट मैंने लोड इसके ऊपर डाल दिया है। ये देखें ज़रा, ये देखें, ठीक है। अब जैसे ही मैं आवाज़ इसकी ज़्यादा करूँगा तो ये देखना कि स्प्रिंग हमारा बिल्कुल लाल हो जाएगा और हमारा एम्पलीफायर ठंडा रहेगा और ना ही गर्म होगा और ना ही ये सड़ेगा। अब आप चेक करें, ये देखें ज़रा, मैं इसकी आवाज़ छोड़ने लगा हूँ, ये देखें ज़रा, अब मैंने इसकी आवाज़ थोड़ी सी छोड़ दी है तो ये देखें, ये बिल्कुल लाल हो गया है, ठीक है। अगर आपको नहीं यकीन आता तो ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये हमारा स्प्रिंग चल रहा है और वो भी इस एम्पलीफायर के ऊपर जहां हमारा सब वूफर है और ये गर्म नहीं होगा और ना ही ये सड़ेगा, ना ही जलेगा, ठीक है। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आपको चेक करवा देता हूं, यानी कि ये देखें, ये मेरे सब वूफर की वायर है, ये मैंने एक लगा दी, ठीक है, और एक मैंने ये लगा दी, ये देखें, आपको सब वूफर की आवाज़ थोड़ी सी आई होगी इसलिए, ताकि सब वूफर काफ़ी दूर पड़ा है, उसको मैं नज़दीक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये इसकी पावर है और ये ट्रांसिस्टर हैं दो इसके, बिल्कुल ठंडे हैं, ये देखें मेरा हाथ लगा हुआ है, बिल्कुल ठंडे हैं। आप चाहें इसको 24 घंटे 48 घंटे जितने मर्ज़ी चलाएं, इंशाल्लाह ये देखें ज़रा, बिल्कुल लाल हो जाएगा, ठीक है। और हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल ठंडा है, ये देखें, बिल्कुल किसी किस्म का कोई मसला नहीं। अब मैं इसका वॉल्यूम बंद कर दूंगा तो देखना एम्पलीफायर बिल्कुल बंद हो गया, ठीक है। तो ये है इसकी क्वालिटी, इसकी ताकत, ठीक है। तो अब मैं आपको यानी कि पूरे मुकम्मल सेटअप की टेस्टिंग करवा देता हूँ। ये अब मैंने राड को उतार दिया, ठीक है। सिर्फ इसका एक आपने ख्याल करना है कि इसकी जो वायर है स्पीकर वाली, इस एम्पलीफायर की आपने जोड़नी नहीं है, क्रॉस नहीं करनी, जैसे कि ये देखें ऐसे लगी तो समझ लो क्रॉस होगी। आपने इसका ये ख़ास ख्याल रखना है कि ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसकी पूरी आपको टेस्टिंग करवाता हूँ। ये देखें, ये मैंने लगा दी सब वूफर की वायर और ये मैंने लगा दी एक स्पीकर की वायर और ये लगा दी मैंने दूसरे स्पीकर की वायर, यानी कि दो स्पीकर लगा दी हैं इसके ऊपर और इसके ऊपर एक सब वूफर लगा दी है। अब मैं इसकी पूरी आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूं, ठीक है। तो ये हमारा
रेडी है, बिल्कुल साउंड चल रहा है, ठीक है, लेकिन इस पे मैं आम गाना यानी कि कोई भी लोकल गाना इसके ऊपर नहीं चला सकता, क्योंकि यूट्यूब की भी कुछ पॉलिसियाँ होती है जिसके दायरे में रह के हमने काम करना होता है, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, सिर्फ 2 से 3 यानी कि 5 सेकंड से ज़्यादा हम कोई भी गाना, आम लोकल गाना यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं यूज़ करूँगा ऑफिशियली जो यूट्यूब का म्यूज़िक होता है, ठीक है। तो नाज़रीन ये देखें, अब ये साथ ही मेरे स्पीकर पड़े हुए हैं, ज़रा मैंने इसको नज़दीक कर दिया है, ठीक है। ये देखें, ये 2 स्पीकर हैं, ठीक है, और ये है एम्पलीफायर का सबवूफर, और इसके ऊपर मैंने रखे हुए हैं ग्लास वगैरह, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए भी इसकी कितनी बेस है, ठीक है। तो ये देखना ज़रा, आप इसको मैं चलाता हूँ, ओपन प्ले करता हूँ, तो इसकी ग्लास और बोतल की डायरेक्शन चेक करना आप, ठीक है ज़रा। चेक करें ज़रा, क्वालिटी चेक करें, ग्लास गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, आपको पता तो लग गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये टेप अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाजमी करें इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।